सो मेरे भाई, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जियो एयर फाइबर वाले यूज़र्स के लिए निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने जियो एयर फाइबर लगवा लिया था अपने घर पे और मेरे को यूज़ करते हुए 5 मंथ हो चुके हैं। बट इन 5 मंथ में मेरे भाई, जियो ने अपने सेट टॉप बॉक्स में काफ़ी सारी अपडेट लेके आए हैं और मैंने आपको जैसे जैसे अपडेट आती है मैं आपको वीडियो भी देता रहता हूँ। आज एक नई अपडेट जियो के सेट टॉप बॉक्स में और जियो सिनेमा को लेके काफ़ी तकड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। सो हेलो मेरे भाई, मेरा नाम कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे भाई, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि जब जियो एयर फाइबर नया नया आया, मैंने भी लिया, ठीक है, आप सभी ने भी लिया, ठीक है। सो पहले क्या था, तो जियो सिनेमा जो है वो टोटली फ्री था, ठीक है जी। सो, हमें कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता था। बट कुछ ही देर हुई है कि जियो सिनेमा को अब पेड कर दिया गया है कि स्टार्टिंग प्लान ₹29 का आपको पे करेंगे, तभी आप इनके प्रीमियम कंटेंट या फिर प्रीमियम ग्राहक बन सकते हो। कहने का मतलब कि अब जो सेट टॉप बॉक्स में हम जियो सिनेमा यूज़ करते थे, तब हम इनकी कोई भी सर्विस मतलब यूज़ नहीं कर पाते थे, कोई भी कंटेंट प्ले नहीं कर पाते थे। सो प्ले करके भी बता देता हूँ, जैसे कि जियो सिनेमा मैं खोल देता हूँ। हेलो, ये कंटेंट प्ले करके देख लेते हैं। सो ये कंटेंट क्या है, प्ले नहीं हो पा रहा है। पहले प्ले हो पा रहे थे, ठीक है जी, क्योंकि जियो सिनेमा पहले ऑलरेडी फ्री था हमारे एयर फाइबर वालों के लिए भी। अगर कोई नॉर्मल बंदा भी मोबाइल में भी जियो सिनेमा डाउनलोड या इंस्टॉल करके कुछ भी कंटेंट देखता है तो उसको भी फ्री मिलता था। बस हॉलीवुड फिल्मों को छोड़ के सारे कंटेंट फ्री थे। बट अब जो हिंदी कंटेंट और हॉलीवुड सारे कंटेंटों के ऊपर मतलब जियो ने बैन लगा दिया है कि जब तक आप हमारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कहने का मतलब कि हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे जियो सिनेमा का, तो हम आपको किसी भी कंटेंट का एक्सेस नहीं देंगे। सो जियो एयर फाइबर है, जियो सिनेमा खोल के दिखाया है कि अभी भी कोई भी एक्सेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बट तकड़ी अपडेट क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तकड़ी अपडेट ये है कि अगर आप जियो एयर फाइबर की वेबसाइट के ऊपर जाते हो, सो वहाँ पे मान लीजिए मैंने 599 वाला प्लान लिया, आपने भी 599 वाला लिया होगा। सो अगर आपने 899 वाला लिया है, कोई भी प्लान लिया है, मैटर नहीं करता, तो आपको क्या करना है, जियो एयर फाइबर की वेबसाइट के ऊपर प्लान में जाना है और व्यू डिटेल में देखना है। सो वहां जाके जब आप नीचे देखोगे तो आपको जियो सिनेमा प्रीमियम देखने को मिलेगा। पहले जियो सिनेमा सिंपल ही लिखा आता था, अब प्रीमियम लिख दिया है। सो जैसा कि मैंने आपको बहुत देर पहले बोला था कि जियो अपने एयर फाइबर में हमें प्रीमियम जो है सब्सक्रिप्शन देगा, क्योंकि उन्होंने जब हमें जियो एयर फाइबर दिया था तब जियो सिनेमा हमें साथ में दिया था। इसमें हमारी नहीं गलती है कि कंपनी ने बाद में उसे पेड कर दिया, बट कंपनी को अब जितने बंदों ने जियो एयर फाइबर लिया उनको मतलब कि जियो सिनेमा का प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। सो कंपनी ने हमारी जो बातें हैं, हमारी वीडियो को शायद देख लिया है और इसी वजह से उन्होंने हमें प्रीमियम का एक्सेस भी दे दिया है। सो और भी कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया, जैसे कि माई जियो एप्लीकेशन खोल लें और जियो एयर फाइबर वाला सेक्शन खोल लें, ठीक है। वहाँ पे आपको व्यू प्लान देखना है, जो भी आपका प्लान होगा, ठीक है। सो वहाँ पे जैसे कि हमारे सारे सब्सक्रिप्शन जहाँ पे दिखाई देते हैं, मैंने सब्सक्रिप्शन, सो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको जियो सिनेमा जो है प्रीमियम लिखा अब आता है। पहले जियो सिनेमा सिंपल वाला देखने को मिलता था, ठीक है जी। बट अगर मैं बात करूँ कि मैं कंटेंट प्ले करके आपको पहले दिखाया हूँ, तो कंटेंट जो है जियो सिनेमा में अभी भी कोई भी प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन होती है, वहाँ पे सारे चीज़ें हमें दिखाई दे जाती हैं। सो यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स में माई जियो एप्लीकेशन मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं मतलब कि 14 सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे मोर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा जियो सिनेमा है यहाँ पे भी प्रीमियम आ चुका है, ठीक है जी।
सो मतलब कि ऐप में जो मोबाइल वाली ऐप है और जो सेट टॉप बॉक्स वाली ऐप है और जियो एयर फाइबर की वेबसाइट के ऊपर भी जब हम प्लान व्यू करके देखते हैं तब भी जियो सिनेमा प्रीमियम दिखा रहा है। इसका मतलब जियो ने हमें प्रीमियम का एक्सेस दे दिया है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। बट मैंने जैसे कि आपको जियो सिनेमा पहले प्ले करके बताया, ठीक है, दोबारा भी एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, एंड प्ले करके देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला है तो अभी भी बोल रहा है सब्सक्राइब टू वॉच, ठीक है, सब्सक्राइब करो अगर आप इस कंटेंट को देखना चाहते हो। सो ऐसा क्यों आ रहा है? सो इसके लिए मैंने क्या किया, माई जो एप्लीकेशन में जहाँ पे सारे OTT सब्सक्रिप्शन के नाम दिखाई देते हैं वहाँ पे जियो सिनेमा प्रीमियम है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करते हैं सो वहाँ पे बोल रहे हैं कि जियो सिनेमा प्रीमियम का जियो ने आपको एक्सेस तो दे दिया है, है ना, आप प्रीमियम को, आपको प्रीमियम तो मिल चुका है, बट मोर इन्फॉर्मेशन में जब हम देखते हैं वो बोल रहे हैं करंटली ओनली फ्री कंटेंट इज अवेलेबल इन जियो सिनेमा विद जियो एयर फाइबर प्लान्स। सो वो बोल रहे हैं कि करंटली ओनली फ्री कंटेंट इज अवेलेबल, कहने का मतलब कि अभी फिलहाल के लिए आप फ्री कंटेंट ही जियो सिनेमा में देख सकते हो, बट आपको जियो सिनेमा प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन जो है हमने जियो एयर फाइबर में दे दिया है, ठीक है जी। सो अभी तो नहीं कर सकते हैं बट बहुत जल्द हो सकता है एक आध दिन में, या फिर ये वाला जो हमारा बिल जनरेट होगा, ठीक है, ये वाला महीना खत्म होने के बाद अगले महीने हमें जियो सिनेमा प्रीमियम जो है वो मतलब के दिख तो रहा है, कंटेंट भी प्ले होने शुरू हो जाएंगे। सो मेरे भाई ये मैंने थोड़ी सी अपडेट थी, मैंने सोचा अपने भाइयों को जरूर बता देनी चाहिए कि एक आशा की किरण एक जाग उठी है। सो हर जगह पे मतलब वेबसाइट के ऊपर भी, हमारी माईजो एप्लीकेशन में भी, सभी जगह में प्रीमियम दिखाई देने लग गया है, बट प्रीमियम कंटेंट प्ले नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अभी फिलहाल के लिए नहीं प्ले कर पा रहे हैं, आगे जाके हमें प्ले होता हुआ दिखाई देगा, हो सकता है एक हफ्ते बाद, हो सकता है एक मंथ बाद, मिलेगा जरूर, ठीक है जी। सो मेरे भाई ये थी अपडेट, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन डील दिखना चाहते हो टैग पत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज की स्माइलिंग, जय हिंद।